वेलकम फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे ऐसे द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे के बारे में जिसको कि लिखा है सिरिल जोट ने इस ऐसे में जोड ये बतलाते हैं कि आज के सिविलाइजेशन की आज की सभ्यता की क्या सारी डिफेक्ट्स है क्या सारी डीमेरिट्स है सिरिल जोड या सिरिल एडविन मिचिनसन जोड इनका लाइफ स्पैन रहा है एटीन से नाइनटीन तक और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे फ़िलोसफी डिपार्टमेंट के इन्होंने अपने लाइफ टाइम में वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों को ही देखा और इस ऐसे को उन्होंने लिखा नाइनटीन थर्टी वन में तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि इस ऐसे को उन्होंने लिखा कब है नाइनटीन थर्टी वन में अब इस ऐसे को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देर आर ऑर्डर एंड सेफ्टी इफ टुडे आई हैव अ क्वारल विद अनादर मैन आई डो नॉट गेट बीटन इन मीयरली बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर एंड ही कैन नॉक मी डाउन I go to law and the law will decide as fairly as it can between the two of us. Thus in disputes between man and man, right has taken the place of might. poet कह रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि आज की सिविलाइजेशन में ऑर्डर है सेफ्टी है ऐसा नहीं है कि इस ऐसे में उन्होंने केवल और केवल डीमेरिट्स ही बताया है वो इस सिविलाइजेशन के मेरिट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं जैसे कि ऐसे के बिगिनिंग में आपको ये बताया जा रहा है कि सिरिल जोड़ क्या मेरिट मानते हैं तो आज की सभ्यता का मेरिट ये है कि आज सेफ्टी है ऑर्डर है अगर आज मेरा झगड़ा जोड़ कह रहे हैं कि किसी के साथ हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे सिर्फ इसलिए नॉकडाउन कर देगा या मार देगा क्योंकि मैं फिजिकली वीकर हूँ अगर वो कोर्ट जाएंगे लॉ का सहारा लेंगे तो बिल्कुल जस्टफुली बिल्कुल राइटफुली डिसाइड किया जाएगा कि क्या हुआ था और उसी बुनियाद पे डिसीजन लिया जाएगा तो आज माइट का ज़माना नहीं है फिज़िकल स्ट्रेंथ का ज़माना नहीं है बल्कि राइट right, यानी इंसाफ होता है जस्टिस मिलती है ऐसा जो कह रहे हैं नोबडी मे कम एंड ब्रेक इन टू माई हाउस स्टील माई गुड्स और रन ऑफ विथ माई चिल्ड्रेन कोई ऐसा नहीं है जो मेरे घर में आके ताड़ करेगा मेरे सामान को चोरी करेगा या मेरे बच्चों को भगा कर ले जाएगा कोर्स देर आर बर्गलर्स बट दे आर वेरी रेयर एंड द लॉ पनिश देम वेन एवर इट कैच दैम ऐसा नहीं है कि चोर डकैत नहीं होते हैं बट आज के समय में वो रेयर हैं और कानून उनको पनिश करता है जब उनको पकड़ लिया जाता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर आस टू रियलाइज़ हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सेफ़्टी का इम्पोर्टेंस क्या है विदाउट सेफ़्टी दोज़ हायर एक्टिविटीज़ ऑफ मैन काइंड मेकअप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन अगर सेफ्टी नहीं रहेगा अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे लोग तो ये जो हायर एक्टिविटीज़ है मैन काइंड का ह्यूमैनिटी का वो कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट द साइंटिस्ट फाइंड आउट और द आर्टिस्ट मेक ब्यूटिफुल थिंग्स इन्वेंटर इन्वेंट invent नहीं कर पाएगा साइंटिस्ट खोज नहीं कर पाएगा और आर्टिस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स नहीं बना पाएगा तो ये सारी चीज़ें हो सके उसके लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हैंड्स ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑल ऑल्दो दे आर नॉट दैम सेल्फ सिविलाइजेशन आर थिंग्स विदाउट विच सिविलाइजेशन वुड बी इम्पॉसिबल ऑर्डर और सेफ्टी के बिना सिविलाइजेशन का प्रॉस्पर करना सिविलाइजेशन का ग्रो करना इम्पॉसिबल सी बात है दे आर एज नेसेसरी टू आर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज़ टू अस ये चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि हवा जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह सेफ्टी और ऑर्डर सिविलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड वी हैव ग्रोन सो यूज़ टू देम दैट वी डो नॉट नोटिस दैम एनी मोर दैन वी नोटिस द एयर और हम लोग इन सब चीज़ों की इतनी यूज़ टू हो गए हैं कि हम लोग अब उन्हें नोटिस ही नहीं करते जैसे कि हवा को नोटिस नहीं करते वैसे ही सेफ्टी और ऑर्डर जो कि हमें एक तरह से मिली हुई है हम उन्हें नोटिस नहीं करते फॉर ऑल दैट दे आर बोथ न्यू थिंग्स एंड रेयर थिंग्स एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड अंडर द रोमन एम्पायर देर हैव बीन ऑर्डर एंड सेफ्टी इन यूरोप ओनली ड्यूरिंग द लास्ट टू हंड्रेड ईयर्स एंड इवन ड्यूरिंग दैट टाइम देर हैव बीन टू रिवोल्यूशन एंड अ ग्रेट मैनी वॉर्स यूरोप की अगर बात की जाए तो रोमन एम्पायर के अलावा यानी जब रोमन एम्पायर था तब लोग सुरक्षित थे बट उसके अलावा पिछले 200 सालों में ही लोगों ने ऑर्डर एंड सेफ्टी को एन्जॉय किया है और इन 200 सालों में भी यूरोप ने कई सारे वॉर्स को झेला है और दो रेवोल्यूशन भी हुए हैं दर्ज इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आर सिविलाइजेशन दैट टुडे सिविलाइज्ड मैन शुड इन देयर ऑर्डिनरी डेली लाइफ बी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंस तो आज हमारे सिविलाइजेशन का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज हर कोई सेफ है और वायलेंस के फियर से आज़ाद है दे आर ऑल्सो लार्जली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ पेन दे स्टिल फील इल बट सिंस द यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक्स बिकम कॉमन इलनेस इज़ नो लॉन्गर द टेरेबल थिंग इट यूज टू बी जब से अनेस्थेटिक्स का आविष्कार हुआ है तब से अगर आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो भी आपको पेन का कोई डर नहीं है क्योंकि अनेस्थेटिक्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेन के सेंसेशंस को ख़त्म कर देते हैं और आज लोग बीमार भी कम पड़ते हैं एंड पीपल आर इल मच लेस ऑफन टू बी हेल्दी इज़ नॉट टू बी सिविलाइज सैवेज आर ऑफन हेल्दी ऑल दो नॉट सो ऑफन एज इज़ यूजअली सपोज बट अनलेस यू हैव गुड हेल्थ यू कैन नॉट एन्जॉय एनी और अचीव एनी तो केवल हेल्दी होना सिविलाइज्ड होने की निशानी नहीं है सैवेज भी हेल्दी होते हैं अब uh, फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी सैवेज वर्ड का बात हो या अनसिविलाइज वर्ड हो तो यहाँ पे सिरल ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मॉडर्न सभ्यता से मॉडर्न सिविलाइजेशन से अनटच्ड हैं यानी अभी भी गांव में रह रहे हैं अभी भी पुराने लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं किसी भी मामले में या बहुत ही कम मामले में या एक तरह से कहें तो जैसे लोग पहले जीते थे खेती करते थे किसान थे और मॉडर्न किसी भी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ ना करना अगर वैसी लाइफ आप जी रहे हो तो उस उस तरह के लोगों को सिरिल बोल रहे हैं अनसिविलाइज यानी असभ्य अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड के हैं ये इंग्लैंड के हैं और इंग्लैंड ने ही भारत पर शासन किया था और जब इंग्लैंड भारत पर शासन करने आई थी उस दौरान भी कई सारे इंग्लिश लोग यही कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं आपको सिविलाइज बनाने के लिए आपको सभ्य बनाने के लिए तो ये हमेशा से एक एजेंडा रहा है और ये मैटर ऑफ डिस्कशन भी है कई सारे टेक्स्ट्स में कई सारे थियोरीज़ में हम लोग इस बात को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये सिविलाइजेशन का नाटक करके लोगों को सभ्य बनाने का एक नाटक या फॉल्स थियोरी लेकर इन लोगों ने कंट्रीज़ को गुलाम बनाया है तो यहाँ पे जब भी अनसिविलाइज या सैवेज या बार बारिक वर्ड का यूज़ होगा तो ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं टू भी हेल्दी इज नॉट टू बी सिविलाइज सैविज़ आर ऑफ़न हेल्दी तो केवल हेल्दी होना सिविलाइज नहीं है सैवेज भी हेल्दी होते हैं बट ऑल दो नॉट सो ऑफ़न एज इज़ यूजली सपोज बट अनलेस यू हैव गुड हेल्थ लेकिन अगर आपके पास गुड हेल्थ नहीं होगा तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे दे आर ऑल्सो लार्जली फ्री फ्राम द फेयर ऑफ पेन अच्छा अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हैं देयर हैव इट इट इज़ ट्रू बीन ग्रेट मैन हु हैव बीन इन वैलिड्स बट देयर वर्क वॉज डन इन स्पाइट ऑफ देयर इल हेल्थ एंड गुड एज इट वॉज इट वुड हैव बीन बेटर हैड दे बीन वेल तो पोएट कह रहे हैं सिरल बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ग्रेट मैन हुए हैं जो कि इन वैलिड रहे हैं इनवैलिड का मतलब है किसी न किसी रूप में बीमार होना डिजेबल्ड होना तो लेकिन उनका जो वर्क है वो डिस्पाइट इल हेल्थ बुरे हेल्थ के बावजूद अच्छा था और बेटर होता और भी अच्छा होता अगर ये सारे लोग हेल्थ इंजॉय किए होते इफ़ दे वुड हैव बीन हेल्थी देन इट वुड हैव बीन बेटर नॉट ओनली डू मेन एंड वुमेन इन्जॉय बेटर हेल्थ दे लिव लॉन्गर देन दे एवर डिड बिफोर एंड दे हैव अच बेटर चांस ऑफ ग्रोइंग अप आज के समय में मैन और वुमेन बेटर हेल्थ एन्जॉय करते हैं लंबा जीवन जीते हैं और उनके पास एक बेटर चांस है ग्रो अप करने का थर्डली आवर सिविलाइजेशन इज़ मोर देन एनी देट है बिफोर इट दिस इज़ बिकॉज इट इज़ मच मोर वाइडली स्प्रेड तो वाइडली स्प्रेड तो होगा ही ना अगर इंग्लैंड कई सारे जगह पर जाकर लोगों को ग़ुलाम बनाएगा और अपनी सिविलाइजेशन को जाकर थोपेगा बंदूक की नोक पर तो इस सिविलाइजेशन का स्प्रेड होना तो बिल्कुल लाजमी है तो इसीलिए इंग्लिश एसेस्ट सिरिल जोड कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज आवर सिविलाइजेशन इज़ वाइडली स्प्रेड मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन नोन टू हिस्ट्री केम टू एन एंड बिकॉज विगरस बट अनसिविलाइज पीपल ब्रोक इन अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉयड देम तो कई सारे पुराने सिविलाइजेशंस जो हैं उनका अंत हो गया क्योंकि कुछ असभ्य लोग आकर अटैक किए और उसके बाद खत्म हो गया उस सभ्यता का नाश हो गया नाउ वट एवर this एंड दे आर were दिस वन limited. वर seems लाइकली टू एस्केप दिस वन तो यानी ये येल कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वाला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया कि कुछ सिविलाइजेशंस खत्म हो चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि आवर सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए इट सीम्स लाइकली टू एस्केप दिस वन तो ये लोग की सिविलाइजेशन ने इस बात को एस्केप कर लिया है क्योंकि इनकी सिविलाइजेशन तो खुद वैसी थी जो दूसरे जगह पे जाकर अटैक कर दी थी तो इनकी सिविलाइजेशन पर कौन ही अटैक करेगा प्रीवियस सिविलाइजेशन वर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड दे वर लाइक ओ इन अ सराउंडिंग डेजर्ट ऑफ सैवेजरी पुरानी सभ्यताओं की बात की जाए तो वो लोग स्पेशलाइज थे और लिमिटेड थे और वो लोग बिल्कुल एक सराउंडिंग डेजर्ट में ओएसिस की तरह थे ओएसिस का मतलब होता है अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड जैसे कि पूरा एक लंबा सा रेगिस्तान है और उसमें अगर आपको वाटर कहीं मिल जाए फ़र्टाइल स्पॉट ऑफ लैंड मिल जाए तो उसको ओएसिस बोलते हैं तो सिरल बोल रहे हैं कि पुराना जो सभ्यता था वो पुराने कई सारे ऐसे सभ्यताएं थीं जो स्पेशलाइज्ड थी लिमिटेड थी और वो बिल्कुल एक सराउंडिंग डेजर्ट में ओएसिस थी ओएसिस की तरह ही थी सोनर और लेटर द डेजर्ट क्लोज इन एंड द ओएसिस वाज नो मोर और जैसे ही रेगिस्तान धीरे धीरे उस स्पॉट तक भी पहुँच जाता था वहाँ पर भी सैंड और उस तरह का आ, लैंड पहुंच जाता था तो फिर ओएसिस नहीं रहता था यानी कि वो फर्टाइल वो वाटर पैच भी नहीं रहता था बट टुडे इट इज़ ओएसिस विच इज़ स्प्रेडिंग ओवर द डेजर्ट और डेजर्ट को इन्होंने सैवेजरी कहा है डेजर्ट ऑफ सैवेजरी यानी कि वो डेजर्ट की जो बात की जा रही है वो उन्हीं अनसिविलाइज लोगों का है और ओएसिस यानी कि इनका सिविलाइजेशन बट टुडे इट इज़ ओएसिस विच इज स्प्रेडिंग ओवर द डेजर्ट बट आज क्या हो रहा है ये जो ओएसिस है ये जो इंग्लिश या ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये पूरे डेजर्ट पर स्प्रेड कर रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ अ फार फ्लंग थिंग एक्चुअली ये ऐसे में तो नहीं लिखा गया है लेकिन ये एक पैराडाक्स है क्योंकि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये एक डेज़र्ट की तरह है और हो ना हो कई सारे वर्षों में यही डेज़र्ट बनाएगा दुनिया को और पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी वो काफ़ी फर्टाइल थी लोग पहले विलेजर्स खेती करते थे और हमारे ज़मीन में पानी हमेशा बरकरार रहता था, था और ऐसा कोई कमी नहीं था बट आज के समय में बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन बिकॉज ऑफ़ इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद लोग ड्रॉट फेस कर रहे हैं लोग तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है रिसोर्स की कमी है तो एक तरह से देखा जाए तो डेज़र्ट तो इनकी सिविलाइजेशन बनाने में काबिल हो ही जाएगी अब बात करते हैं ऐसे में आगे बढ़ते हैं बट टुडे इट इज़ ओएसिस विच इज़ स्प्रेडिंग ओवर द डेज़र्ट बट आज ये जो ओएसिस है वही डेजर्ट के ऊपर स्प्रेड कर रहा है यानी इनका सिविलाइजेशन एक ओएसिस है जो कि डेजर्ट के ऊपर स्प्रेड कर रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ अ फार फ्लंग थिंग इट स्प्रेड्स ओवर यूरोप अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रेट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो एक दूर दराज की चीज़ है और वो यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट पार्ट्स ऑफ एशिया और अफ्रीका में स्प्रेड कर रही है प्रैक्टिकली नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनट बाई इट यानी ऐसा कोई हिस्सा नहीं है दुनिया का जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से अनटचड है एंड वोइंग टू द पावर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विद विच साइंस हैज़ आमड इट इट इज़ एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट सच सैवेज़ और अनसिविलाइज पीपल्स एज़ आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड कुड प्रिवेल अगेंस्ट इट तो जो पावर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन साइंस ने इन लोगों को इस सिविलाइजेशन को दिया है यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में साइंस के डिस्कवरीज और इन्वेंशनस ने कई सारे पावर्स दे दिए हैं आज की सभ्यता को और यही जो पावर्स हैं यही इट इज़ एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट सच सैवेज़ और अनसिविलाइज पीपल्स एज़ आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड कुड ट्रिवेल अगेंस्ट इट तो ये जो पावर साइंस ने दिया है ये डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं जो कि सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगी और ये डिस्ट्रक्शन की जो पावर साइंस लेकर आई है उनसे ये सैवेज और अनसिविलाइज पीपल भी बचा नहीं पाएंगे बचा क्योंकि ये जो सैवज और अन पीपल हैं इनकी मात्रा बहुत कम रह गई है दुनिया में और ये उसके खिलाफ़ प्रिवेल नहीं कर पाएंगे यानी ये जो बचे खुचे लोग हैं जो विलेजर्स हैं जो रास्टिक्स हैं ये इस ज़्यादा संख्या वाले पॉपुलेशन जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से टचड है जो कि हर तरह से मॉडर्न हो चुका है उसके खिलाफ़ ये लोग प्रिवेल नहीं कर पाएंगे दस द वर्ल्ड हैज़ नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अ चांस ऑफ बिकमिंग अ सिंगल होल अ यूनिटी आज दुनिया में पहली बार क्या हो रहा है कि लोग यूनाइटेड हैं इस ऐसे को सिरल जोड लिख रहे हैं नाइनटीन थर्टी वन में सो फार इज़ बइंग एंड सेलिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कंसर्न इट इज़ अ यूनिटी ऑलरेडी अगर बाइंग और सेलिंग गुड्स की बात की जाए एक्सचेंज ऑफ़ गुड्स की बात की जाए तो दुनिया ऑलरेडी एक यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो नाइनटीन थर्टीज़ या उसके पहले से ही है For the first time, the world is becoming a single place instead of a lot of separate places shut off from one another. तो आज दुनिया में पहली बार लोग एक सिंगल प्लेस बन रहे हैं अलग अलग जगह नहीं है जो कि एक दूसरे से शट ऑफ है जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल प्लेस बन रहा है वन माइंड से that फॉर सेंचुरीज the nations ऑफ़ mankind lived लिव्ड इन number नंबर ऑफ boxes holding होल्डिंग no communication कम्युनिकेशन each other except एक्सेप्ट the people पीपल इन वन बॉक्स those in the इन and नेक्स्ट एंड सम boxes were नेवर opened at all तो आज हम लोग कह सकते हैं कि सेंचुरी से कई सारे सेंचुरीज पहले की अगर बात की जाए तो लोग हर नेशन जो है वो अपने अपने सेपरेट बॉक्स में रहता था और कई सारे नेशंस के बीच में तो कोई कम्युनिकेशन कोई एक्सचेंज भी नहीं था बट आज क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है और पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन नहीं होता था बस होता इतना सा था कि पीपल इन वन बॉक्स इन्वेडेड दोज इन द नेक्स्ट एंड सम ऑफ़ द बॉक्सेस वर नेवर ओपन एट ऑल तो यहाँ पे बॉक्स यानी नेशन है अगर आपसे पूछ लिया जाए एम में कि बॉक्स का मतलब क्या है तो बॉक्स यहाँ पे कंट्री है यानी पहले ज़माने में एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इन्वेट करती थी ऐसा कुछ देशों के बीच में होता था और बाकी देश तो बिल्कुल कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता था उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं था उनके बीच में दे वर शट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड टुडे देर इज़ कॉन्स्टेंट कमिंग एंड गोइंग बिटवीन द बॉक्सिस सो मच सो दैट द साइड्स ऑफ द बॉक्सिस आर ब्रेकिंग डाउन एंड द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू लुक मोर लाइक वन एनॉर्मस बॉक्स और आज तो इतना ज़्यादा कमिंग एंड गोइंग है इन बॉक्सेस इन नेशनस के बीच में कि ये जो बॉक्सेस का बाउंड्री है वही एक तरह से ब्रेक कर रहा है और पूरा वर्ल्ड एक बड़े से बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है देर इज़ नो डेंजर ऑफ़ एनी अन नोन पीपल ब्रेकिंग इन अपॉन आर सिविलाइजेशन फ्राम आउटसाइड एंड डिस्ट्रॉइंग इट ऐसा कोई डेंजर नहीं है कि कुछ अन नोन पीपल जो हैं वो आ जाएंगे हमारे सिविलाइजेशन में और हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे द डेंजर कम्स रादर फ्राम विद इन ये जो खतरा है ये तो हमारे भीतर से ही है इट इज़ अ डेंजर फ्रॉम अमंग आर सेल्स खतरा हमारे अंदर से ही है दिस ब्रिंग्स टू मी आर डिफेक्ट्स और इस वजह से ही ये जो खतरा अंदर से है यही मुझे इस बात को करने पर बाध्य कर रहा है कि हमारे सिविलाइजेशन यानी कि हमारी सभ्यता का क्या क्या डिफेक्ट्स है क्या क्या माइनस पॉइंट्स है तो फ्रेंड्स ये है फ़र्स्ट पार्ट इस ऐसे का सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स